नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कदम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये सैमसंग का मॉडल नंबर J710, इसका प्रॉब्लम है चार्जिंग नहीं हो रहा है। चार्जिंग का एक ट्रैक कट होने के कारण ये प्रॉब्लम आया है दोस्तों। वो ट्रैक कहाँ से कहाँ ज्वाइन करने का वो मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। पहले से ही मोबाइल मैंने ओपन कर दिया है, इसका मैं पहले आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ क्या हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इस साइड से थोड़ा यहाँ क्रैक हो गया है बोर्ड, इसकी वजह से चार्जिंग सा जो ट्रैक है यहाँ से जो आईसी तक जाता है वो ट्रैक ब्रेक है। इसकी वजह से मैं आपको दिखा तो इस साइड के दो ए वो माइनस है दोस्तों, और इस साइड का ये वाला तो प्लस है। यहाँ से यहाँ तो ट्रैक सही है, लेकिन यहाँ से आगे जाने वाला जो आईसी तक जाता है वो ट्रैक ब्रेक है। वो कहाँ लगाने का मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो दोस्तों, मैंने पहले से ही जम्पर लगाया है उसको, और यहाँ क्रैक होने के कारण आगे ट्रैक का सप्लाई नहीं जाता है। ठीक है, ये वाला है, ये चार्जिंग आईसी है दोस्तों। यहाँ से ये दो इस साइड को जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के प्लस को ये ट्रैक ज्वाइन करने का, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया है दोस्तों, ये देखो। इस कैपेसिटर को प्लस से आगे डायरेक्ट आईसी लग जाता है, ठीक है। इस साइड में जो ट्रैक है वो यूएसबी ट्रैक है, और इस साइड का वन नंबर का ट्रैक यूएसबी ट्रैक है दोस्तों। वो भी मैंने आगे के वीडियो में मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इस साइड का है वो माइनस है, इस साइड का प्लस है। यहाँ तक ट्रैक सही है, लेकिन दोस्तों यहाँ से आगे आईसी तक वाला ट्रैक कट था, इसके वजह से ये देखो यहाँ मैंने ट्रैक ज्वाइन किया है, ठीक है। अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। बोर्ड ब्रेक होने के कारण ये प्रॉब्लम दोस्तों, ट्रैक ब्रेक हो गया है। बोर्ड क्रैक होने के वजह से आगे तक सप्लाई नहीं जा रहा था, इसके वजह से चार्जिंग नहीं हो रहा था दोस्तों। तो मैंने ठीक है,